नमस्कार दोस्तों, आज ही मेरे सैमसंग J7 प्राइम पे एक ऑफिशियल अपडेट आया है और ये ओरियो अपडेट है, तो चलिए चेक करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाइए मोबाइल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिव दुनिया की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ एंड कंपैरिजंस। तो दोस्तों, सैमसंग J7 प्राइम सैमसंग का एक काफ़ी हिट फ़ोन रहा है और खुशी की बात है कि इस पे ऑफिशियल एंड्रॉयड 8 का जो अपडेट है वो आया है, तो चलिए चेक करते हैं उस अपडेट को। तो मैं आपको पहले करंट जो वर्जन है वो बता देता हूँ। तो जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 7.0 है और जो सैमसंग एक्सपीरियंस है वो 8.5 है। तो अब जो अपडेट है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। ये अपडेट खैर मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो ये 975 MB का अपडेट है। तो इसमें आपको मिलेगा सैमसंग एक्सपीरियंस 9.5 और ये अपग्रेडेड है विद एंड्रॉयड ओरियो। तो इसमें काफ़ी सारी सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। इसमें सैमसंग पे मिनी लाया गया है इस फ़ोन पे। तो जो इसका चेंज लॉग है उसके अकॉर्डिंग जो बायोमेट्रिक्स है उसे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अब ये बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपके पे मिनी के साथ भी कनेक्ट किया गया है और भी एप्लीकेशन है जिसके साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। जो क्विक पैनल है उसे लाया गया है, तो बेसिकली आपकी जो नोटिफिकेशन हैं उन्हें मैनेज किया जा सकता है। अब जिस पर्टिकुलर ऐप से आप नोटिफिकेशन चाहते हो वही नोटिफिकेशन डिस्प्ले होगी, बाकी जो ऐप आप डिसेबल करेंगे उसमें से कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखेगा। तो होम स्क्रीन पे कुछ अपडेट किए गए हैं। तो इसमें आप जैसे ही आइकन को टैप करके रखोगे, लॉन्ग प्रेस करोगे तो कुछ ऑप्शंस आएंगे, वो हम बाद में चेक करेंगे। कीबोर्ड को चेंज किया गया है, GIF कीबोर्ड डाला गया है इसमें, विच इज़ अ गुड थिंग। तो आप डायरेक्टली GIF कीबोर्ड से ही सेंड कर सकते हो। सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसे अपडेट किया गया है। इसमें जो बैकग्राउंड सर्विसेज है उसे लिमिट किया गया है ताकि परफॉर्मेंस और जो बैटरी है वो अच्छी रहे। बाकी वही सैमसंग अकाउंट है, सैमसंग क्लाउड की जो मेमोरी है वो है, फाइंड माई मोबाइल का जो फीचर है उसे डाला गया है, वो तो आई थिंक पहले भी इसे इसमें था। कुछ और इम्प्रूवमेंट्स ये हैं कि ब्लूटूथ अब काफ़ी सारे और फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है ऑडियो के, और जो सैमसंग की हेल्थ ऐप है उसके कुछ नए नोटिफिकेशंस वगैरह हैं उसमें, जिसे मैं इंस्टॉल करता हूँ अब। तो दोस्तों, अब ये इंस्टॉल हो चुका है, तो अब ऑफिशियली एंड्रॉयड ओरियो इस पर चल रहा है। तो अभी सिस्टम फुली फिनिश नहीं हुआ है अपडेट होना, तो अभी वो फिनिश कर रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा और फिर वो उसे फिनिश कर देगा। तो आपको मैं चेक करवा देता हूँ। अबाउट फ़ोन में आपको तो ये देख सकते हैं, अब कुछ चेंज हुआ है अबाउट फ़ोन में। EMI नंबर्स ऊपर ही आ रहे हैं दोनों। अब एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 8.1.0 है, सैमसंग एक्सपीरियंस जो वर्जन है वो 9.5 है, और इसके अलावा जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है वो अगस्त 2018 का है। तो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच तो नहीं है, वो सितंबर का है, लेकिन अगस्त 2018 भी काफ़ी ठीक है। तो एंड्रॉयड जो अपडेट है वो अब फिनिश हो चुका है, तो वो आपको दिखा देता हूँ। वो नोटिफिकेशन हट गई है। तो अगर आप 3 बटन पे आप प्रेस करोगे तो 3 ऑप्शन हैं, बटन ऑर्डर, बटन ग्रिड और कॉन्टैक्ट अस। तो ये बटन ऑर्डर है, इसे आप चेंज कर सकते हो, कौन कोई नया बटन आपको चाहिए उसमें तो आप डाल सकते हो। तो बटन ग्रिड के भी ऑप्शंस हैं, 3x3 है, 4x3 है, 5x3 है, तो जैसा आपको सूट करता है वैसा रख सकते हैं। ट्रांजिशंस थोड़ा थोड़ा लैग कर रही हैं अभी, क्योंकि नया अपडेट है तो टाइम लगेगा इसे सेटल होने में। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ स्टटरिंग हुई थी फ़ोन की। दोस्तों, अगर नीचे से ऊपर आप ड्रैग करोगे तो ये सैमसंग का जो पे मिनी है वो
ऑन हो जाएगा, तो इसे आप सेटअप कर सकते हो अगर आप ए मिनी यूज़ करना चाहते हो। तो इसमें बेसिकली आपका जो बायोमेट्रिक्स है तो वो इसमें काम आएगा। तो धीरे धीरे दोस्तों ये अब थोड़ा स्मूथ हो रहा है पहले से। नोटिफिकेशंस कुछ ऐसी दिखेंगी। तो यहाँ पे आप लिस्ट व्यू कर सकते हैं, मल्टी विंडो की ऑप्शन भी इसी में है। ये मल्टी विंडो चालू हो गया, कैसे इनेबल करना है वो एक्सप्लेन किया गया था। तो चलिए दोस्तों सेटिंग्स में देखते हैं कौन सी नई ऑप्शंस ऐड हुई हैं। तो ये बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी एक नई चीज़ ऐड हुई है। तो इसमें आप गूगल पे प्रोटेक्ट, फाइंड माय मोबाइल, सिक्योरिटी अपडेट्स, सिक्योरिटी पास, तो इसमें आप फिंगरप्रिंट स्कैनर की हेल्प से इन सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो विच इज़ अ गुड सिक्योरिटी फीचर। तो अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, जो अगर आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये तीन ऑप्शंस आती हैं किसी भी आइकन को, तो इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल ऐप्स को आप सेलेक्ट करके उनका जो एक ग्रुप वाइज ऊपर फंक्शन है अनइंस्टॉल का, रिमूव का और क्रिएट फोल्डर का, तो ये एक नई चीज़ ऐड की गई है, तो इससे आपकी जो ऐप मैनेजमेंट है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो हमारा लेफ्ट स्वाइप करने पर ये फ्लिपबोर्ड आता है, तो ये काफ़ी अपडेट हो चुका है अब। तो दोस्तों देखते हैं अब इस नए अपडेट में परफॉर्मेंस जो अपडेट है वो कैसा है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं डिवाइस मैनेजमेंट में कितनी रैम फ्री मिल रही है अभी हमें। तो अभी तो वो 600 कुछ MB दिखा रहा था, तो इसे अगर ऑप्टिमाइज करेंगे तो 927 MB और फ्री हो जाएगी। तो अब ये एप्लीकेशंस को इसने काफ़ी को क्लियर कर दिया है मेमोरी में से, तो अब अराउंड 1.5 GB जो वो यूज़ है और जो अवेलेबल है वो 1.2 GB है। तो मेमोरी की जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी अच्छी हो गई अब। तो बैटरी भी चेक कर लेते हैं, तो करंट 74% बैटरी है, तो ये एस्टिमेटेड बैटरी टाइम 1 day 10 hours का दिखा रहा है, तो आई एक्सपेक्ट कि बैटरी लाइफ भी अच्छी होने वाली है इस अपडेट में। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें नई ऐड हुई हैं इस अपडेट में, परफॉर्मेंस ठीक हो गई है, बैटरी जो लाइफ है वो भी इम्प्रूव होगी डेफिनेटली। तो पहले से तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है ये फ़ोन। अगर दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिएगा, तो आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल पे, और साथ ही दबाइए बेल बटन ताकि लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यूज सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।